नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे इंडियन रोड्स पर। सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनमें टू व्हीलर्स का नंबर टॉप पर है। रिसेंटली पब्लिश हुए रिपोर्ट के मुताबिक पूरे इंडिया में 2022 में करीब 75,000 राइडर्स और पिलियंस की जान रोड पर गई है और ये नंबर्स 2021 के मुकाबले करीब 8% ज्यादा है और शायद नंबर्स हर साल बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि एक तो सड़क पर गाड़ियां काफी बढ़ रही हैं जिससे ज्यादा एक्सीडेंट्स होंगे। बहुत सारे बाइक राइडर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी चीजों के बारे में पता नहीं होता है कि ये जो हरकतें कर रहे हैं उससे इनका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। भाई लोगों को लगता है कि हमारी गाड़ी छोटी है इसलिए इसको कैसे भी चला सकते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जो आपको इस वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट मध्य प्रदेश से मिस्टर आशु ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि डैश कैम वाले कार के जस्ट आगे एक इको स्पोर्ट चल रही थी, तभी आगे एक जगह रोड के साइड में खड़ी ये बाइक वाले भाई अचानक से गाड़ी स्टार्ट करके और हैंडल को राइट मोड़ते हुए चल देते हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है और राइडर बाइक के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं बाइक राइडर ने चलने से पहले एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है, इन्होंने बाइक उठाया और सीधा निकल लिए। इसके अलावा बाइक में साइड मिरर भी लगा हुआ है, भाई ने उसमें भी नहीं देखा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शीशा मुड़ा हुआ है और इसे ये अपना मुंह देखने के लिए यूज करते हैं। खैर, मुंह देखने के चक्कर में भाई मुंह की खा गए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इनको ज्यादा चोटें नहीं आई। राइडर तुरंत उठकर खड़े भी हो गए थे, लेकिन आशु ने बताया कि इन लोगों ने कार वाले की ही गलती निकाली और उससे पैसे भी ऐड लिए। अब पैसे कितने लिए गए वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सारी गलती यहाँ बाइक वाले की है। राइडर को देखकर बाइक आगे बढ़ानी चाहिए थी और राइट मुड़ना चाहिए था, लेकिन वही बात है, भाई लोग रोड को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझने लगते हैं और कुछ भी करते हैं। खैर, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कुछ पेडेस्ट्रियंस या बाइक वाले सड़क के किनारे खड़े दिखें तो एक बार हॉर्न जरूर बजाएं, वरना कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। अगला एक्सीडेंट तेलंगाना से मिस्टर मधुसूदन ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली हैदराबाद के शंकरपल्ली के आसपास किसी जगह पर हुआ है, जिसका पहले आप ये डैश कैम फुटेज देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सफारी स्टार में एक सिंगल रोड पर सीधा जा रही है जिस पर ठीक ठाक ट्रैफिक है और इसीलिए गाड़ी की स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसे 20-30 किलोमीटर पर आर की रफ्तार में चलाया जा रहा है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर चलने के बाद स्कूटी से एक अंकल जी गाड़ी को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने लगते हैं और खुद ही कार के लेफ्ट में लड़कर सड़क पर गिर जाते हैं। साफ दिख रहा है कि यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अंकल जी धीरे से चले आए हैं और आए तो आए, इन्होंने गाड़ी के आगे पहुंचकर हैंडल को भी राइट मोड़ दिया है, मतलब इन्हें ओवरटेक तो करना ही था लेकिन तुरंत ही उसी के साथ स्टॉर्म के एकदम सामने भी चलना था, लेकिन थोड़ा सा मिस जजमेंट ने यहाँ खेल खराब कर दिया। इम्पैक्ट से अनकंट्रोल होकर अंकल जी सड़क पर ही गिर गए और आप साफ देख सकते हैं इनको भी मुंह की खानी पड़ी है। अंकल जी का फेस सीधा सड़क पर लड़ा है जिससे शायद इनके नाक पर चोट आ गई होगी। इन्होंने अगर हेलमेट पहना होता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन लोग कहाँ समझने वाले हैं, वो एक तो जबरदस्ती गाड़ियों के बीच घुसेंगे और खुद का ही नुकसान करवाएंगे। हालांकि यहाँ अंकल जी ने ड्राइवर को कुछ नहीं बोला, इन्होंने खड़े होकर देखा तो एक बार, लेकिन फिर चुपचाप स्कूटी उठाकर निकल लिए। अब ये सफारी को देखकर घबरा गए या आगे लगे इस झंडे को देखकर घबरा गए, या फिर हो सकता है अंकल जी को रियलाइज हो गया हो कि गलती इन्हीं की थी। खैर, इस एक्सीडेंट के बाद अंकल जी अब ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अगर इनको अपने नेताजी टाइप कपड़े गंदे नहीं करने होंगे तो, या फिर ऐसे जमीन से जुड़ना नहीं होगा तो। साथ ही में आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड यहाँ थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो ये इनके ऊपर भी चढ़ सकती थी और उस सिचुएशन में ड्राइवर पर ब्लेम लगाया जाता अगर डैश कैम ना होता तो। इसलिए आपसे कहा जाता है कि डैश कैम गाड़ी में जरूर लगवाएं, क्योंकि इंडियन रोड्स पर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बाकी आपका इन दोनों एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।